हमारी परम आदरणीय सब जोन इंचार्ज राजयोगिनी विद्या दीदी जी, वो आकर के मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगी। विद्या जी, इसके पश्चात परम आदरणीय हमारे राजयोगी भ्राता सूरज भाई जी का मैं अनुरोध करूंगी कि वो आकर के मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। सभी जोरदार करकल ध्वनि से स्वागत करेंगे। शांति, ओम शांति। ये लॉटरी हमको ऐसी मिली है कि भाई साहब ने खुद कहा कि मैं आ रहा हूँ अयोध्या, दो दिन का समय है, आप उसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो घर बैठे बिना मांगे सूरज भाई ने ऑफर किया, उसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद है, बहुत बहुत। प्यासा कुएं के पास जाए लेकिन कुआं प्यासे के पास चल के आए, ये आपकी महानता है, विशेषता है, और मैं तो कहूँगी वो 14 साल का रिटर्न है। ओम शांति, ओम शांति। मैं हमेशा सोचता हूँ जहाँ महान आत्माएं बैठी हों, चाहे वो 100 ही क्यों ना हों, बहुत हैं, हैं या नहीं, एक एक महान आत्मा। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाएंगे, वॉल्यूम और भी पास टच हो जाएगा। मैंने अयोध्या में भी कल प्रोग्राम था, साधु संत भी थे तो एक बात कही, वहाँ अयोध्या को अब अयोध्या जी कहते हैं। सुना आप लोगों ने, अयोध्या जी। मैंने कहा किसी महापुरुष के होने से वो नगरी भी जी वाली हो जाती है, और जहाँ इतनी महान आत्माएं हों संसार क्या हो जाएगा, महान तीर्थ। हम सभी जितने महान बनेंगे हमारा देश महान तीर्थ बनेगा। बीच में गड़बड़ तो होती रहेंगी, और भी ज़्यादा होनी है, हम जानते हैं, लेकिन इन्हीं से एक शांति का मार्ग, पवित्रता का मार्ग, सुखों का मार्ग निकलेगा, निकल रहा है। तो आज हम सभी पहले चिंतन करते हैं। क्लासेस तो आप बहुत सुनते ही हैं, थोड़ा चिंतन, अपने से बात करेंगे। मेरा जीवन बहुत मूल्यवान है, सब अपने से बात करें। है क्यों,
क्यों? हाँ ठीक उत्तर है, और बोलो क्यों, बोलो क्यों। देखो कैसा सुंदर समय आया है भगवान धरा पर, हम उनके सामने, हमने उन्हें पहचाना, उसने हमें श्रेष्ठ भाग्य बनाने का मार्ग बता दिया। बाबा की बहुत अच्छी बात क्यों मूल्यवान है? बाबा कहते हैं, बच्चे मेरे से जो चाहो ले लो। सुने हैं ना माँ बाप, साकार मूल्य बहुत आते हैं। इतना मूल्यवान है हमारा जीवन कि जिसमें भगवान हम सबको अपना अधिकार दे रहा है, मांगने की जरूरत नहीं पड़ रही है। मांगना भी तो नहीं आता था, छोट छोट चीज मांगते थे। जीवन बहुत मूल्यवान है, स्वीकार करें सभी।